इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि मऊ के मऊहार बसगतिया में मिट्टी खनन होती जिसमें डंपर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ के स्थानीय लोगों का बताना है कि जब हम लोग सुबह टहलने हमलोग आ रहे थे, काफ़ी भीड़ यहाँ लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने यहाँ मौके पर आकर देखा जहाँ मिट्टी खनन होती वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी। यहाँ कैमरा मैन दिखाना चाहते हैं कि दिखाएं, यही जहाँ खून के धब्बे हैं, टायर के दागे, टायर के दागे, और यहाँ टायर के ऐसा दाग भी कुछ पड़े हुए हैं। तो जेसीबी के यहाँ के स्थानीय लोगों का बताना है कि जेसीबी की पूरी दाग है। आइए हम इनके परिवार के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए, उनसे हम बात करते हैं। नाम क्या भी आपका? जी धीरेन्द्र त्रिपाठी। क्या उनके लगते हैं? हम उनके बड़े बहन हुए हैं। कैसे आपको सूचना मिली? हमको सूचना मिली एक हमारे यहीं से फोन किया था, हमारे पास 5:30 बजे फोन किए थे कि आप चले आइए, एक्सीडेंट हो गया है, कम से कम उनको अस्पताल में होना चाहिए, तो थाने पे क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप आइए वहीं समझिएगा। जब हम थाने पाए तो दो चार लोग वहाँ पे ठेकेदार और अदरवाइज जो लोग थे, हम तो चीन रहे नहीं हैं, हम आए तत्काल उनके पास पूछे तो हमको अपने पास बुला कर कहे कि ऐसा है कि वो डंपर पर बैठे थे और उनको नींद आई, गिर गए और पहिया के नीचे आ गए। बल्कि सत्य यह है जब हम लोग घटनास्थल पे 10-20 लोग सब लोग साथ में आए तो घटनास्थल पे आए तो देखे कि घटनास्थल पे पुआल छाया था। उनके मित्र एक प्रदीप जी हैं जो बता रहे थे कि हम 3 घंटा पहले वहीं सोए थे और जब वो सोए थे तो उन्होंने कहा कि प्रदीप भाई अपनी गाड़ी दीजिए, 2 चक्कर हम चला कर आ रहे हैं, उसके बाद हम सोएंगे, फिर आप जाइएगा। तो प्रदीप जब वो आए अंगद पांडे सोने के लिए और प्रदीप जी गाड़ी लेकर चले गए, तभी सोए और यहाँ सो स्थानीय जगह पर सोए थे, तब तक कोई जेसीबी वाला जो खुद खदान यहाँ कर रहा था और नया नया लड़का था चलाने का, उसको समझा नहीं, वो लाया और उनके ऊपर चढ़ा दिया और चढ़ा कर घुमा कर लेकर चला गया। और प्रदीप जी आए, प्रदीप जी को सूचना दिया यहाँ का कोई परमानंद सुपरवाइजर कि अंगद पांडे इथी हो गया है, आप आइए। जब वो डिटेल पूछने लगे तो फोन काट दिया। तो उसके बाद प्रदीप जी आए तो प्रदीप जी देखे तो यहाँ लाश भी नहीं थी, लाश भी गायब थी, ना कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आया था। पता चला कुछ सूत्रों के मुताबिक यहाँ स्थानीय लोगों से कि पुलिस लाश को लेकर चली गई है पोस्टमार्टम के लिए, रिफर कर दिए, ना कोई परिजनों को गया थे ना कोई सगे संबंधित को गया थे, उठ कर लाश चली गई और हमको अभी कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस और ठेकेदार मिलकर लिपापोती कर रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है सर। और यहाँ कोई किसी प्रकार का रंजिश भी नहीं था, वो एकदम गौ आदमी थे और हमारे बहनोई थे, खास बहनोई थे और हम जानते हैं वो एकदम गौ थे। स्थानीय लोग का भी कहना है कि वो किसी प्रकार का कोई रंजिश नहीं था, उनको वो जैसे भी चढ़ाकर मार दिया, उधर से खदान हो रही थी उधर से, या डंपर चालक रिश्तेदार बता रहे हैं यही खुदाई चल रही थी, जेसीबी मशीन और लाकर चढ़ा दिया और एक बेर नहीं डबल बार उनके ऊपर चढ़ा दिया, जिससे वो मार लेकर भाग गया। यहाँ पे ना जेसीबी उपलब्ध थी, ना डंपर उपलब्ध था, ना लाश ही उपलब्ध थी, ना कोई सुपरवाइजर, ना कोई ठेकेदार, और सब लोग कोई भी नहीं, सुबह 5 बजे तक यहाँ कोई था ही नहीं, लाश भी गायब है। और उधर गए तो हम तो थाने पर, तो वहाँ पे जो कोई महोदय थे, अब उनको हम चिन्ह नहीं रहे, वो महोदय कहे कि ऐसा है कि आप लोग थाने पे चले जाइए, बात कर लीजिए। हम कहे भाई घटनास्थल तक जाएंगे, हम जांच करेंगे क्या सत्य है क्या नहीं है, उसके बाद हम थाने में जाएंगे। घटनास्थल पर आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं पुआल बिछी है, ब्लड गिरा है और जेसीबी उस पर चढ़ी है, जेसीबी का पूरा पहिया दिख रहा है और लाश भी नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज दी है, पुलिस हम लोग को कन्फर्म भी नहीं कराई, ना पुलिस फ़ोन भी की, ना कोई ठेकेदार फ़ोन किया, बल्कि चालक के जो चालक ड्राइवर हमारे बहनोई थे उनके मित्र ने हमको अवगत कराया। और जब हम आए तो यहाँ पता चला कि सब लिपापोती हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के जो डंपर चालक की अभी दर्दनाक मौत हुई है, उनके रिश्तेदार का कहना है कि जो हमारे रिलेशन में थे वो काफ़ी अच्छे आदमी थे, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, नहीं किसी से झगड़ा झंझट करते थे, लेकिन उनका कहना यह है कि प्रशासन द्वारा हमें कोई सूचना नहीं दी गई
और उनका कहना ये भी है कि उनके रिश्तेदार द्वारा ऐसा सूचना उनको दी गई है, मित्र द्वारा उनको सूचना चालक के।